नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, प्रणदास विषय हिंदी। आज हम निबंध मेरी प्रिय ऋतु अथवा जिसे हम बसंत ऋतु भी कहते हैं उसके बारे में देखेंगे। उसके पॉइंट देखे तो भारत में ऋतुओं का क्रमिक आगमन पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट प्रिय ऋतु का परिचय, तीसरा पॉइंट प्रिय होने का कारण, चौथा पॉइंट है अन्य ऋतुओं की तुलना, पांचवा पॉइंट है मेरे प्रिय ऋतु मेरी प्रिय ऋतु और जीवन, और उसके बाद उपसंहार। इनके आधार पर आपको निबंध लिखना पड़ेगा। तो निबंध के बारे में देखें तो भारत ऋतुओं का देश है। वसंत ग्रीष्म, ग्रीष्म यानी उनाड़ो, वर्षा शरद यानी ठंडी ऋतु, हेमंत और शिविर, हेमंत ऋतु यानी वसंत ऋतु और शिविर यानी पतझड़ की ऋतु। इन छह ऋतुओं का जो सुंदर क्रम हमारे देश में है वह दूसरी जगह दुर्लभ है। दुर्लभ यानी मिलना कठिन है। प्रत्येक ऋतु की अपनी छटा है, अपना आकर्षण है, पर इन सभी ऋतुओं में मुझे वसंत ऋतु सबसे अधिक प्रिय है। सचमुच वसंत की वासंती दुनिया सबसे निराली है। शिशिर का अंत होते वसंत की सवारी सज धज के साथ आ पहुंचती है। सज धज कर यानी अपने साथ में फूलों की शोभा देकर। बागों में वाटिका यानी बगीचों में फूलों में प्रकृति वसंत के स्वागत की तैयारियां करने लगती है। कन्या अपने घूंघट खोल देती है यानी फूलों में छोटी छोटी कन्या घूमने लगती है। फूल अपनी सुगंध बिखेर देते हैं, भौरे भूल फूटते हैं और तितलियां अपने चटकीले चमकीले रंगों से ऋतुराज का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाती हैं। तितलियां यानी पतंगियां, पृथ्वी के कणकण में नया आनंद, नया उत्साह, नया संगीत, नया जीवन दिखाई देता है। जब सारी प्रकृति वसंत में झूम उठती है तो मेरा मन क्यों ना झूमे। सचमुच वसंत की शोभा मेरे हृदय में उतर आती है। एक और शीतल मंद सुगंधित पवन के सुंदर झोंके मन को मतवाला करते हैं तो दूसरी ओर फूलवालों का यौवन बूढ़ों को भी जवान बना देता है। खिलती कलियां देखकर मेरे मज्जी जी यानी मन मन की गर्मी से उठती है। ना तो यहाँ गर्मी की बेचैनी है, ना जाड़े की ठिठुरन यानी जाड़े की सर्दी। एक और प्रकृति के रंग और ऊपर से रंग भरी हो वसंत ऋतु का ना आगे न तो अधिक गर्मी पड़े थे अथवा तो न अधिक ठंडी पड़े थे। जेना कारणे अनेक प्रकृति पोताना सुंदर रूपमा होय छे। दिन अने आमा होळीनो त्यौहार पण आवे छे। अभी गुलाल के रूप में मानव हृदय का प्रेमी फूट पड़ता है। ऐसा मनभावन फागुन का वसंत मुझे प्रिय क्यों ना हो। कुछ लोग वर्षा को वसंत से अच्छा मानते हैं, पर कहाँ वर्षा का किचकिच मौसम और कहाँ वसंत की बहार। वर्षा में आपने कभी निकाल के चेहरे पर जो पानी अन्य कारों की जड़ कह जाए वह वर्षा जो घरों को धराशायी करती है, फसलों पर पानी फेरती है, नदियों को पागल बनाकर आपको साफ कर देती है, ऐसे सूखकर कैसे हो सकती है। इस प्रकार शरद की शोभा भी वसंत के सामने फीकी पड़ जाती है। सचमुच वसंत ऋतु राज है। ऐसी ऋतुएं उसकी रानियां और अन्य सेविकाएं हो सकती है। दूसरे ऋतु के केवल हमने उसकी सेविका भी कह सकते हैं, उसकी दासी भी कह सकते हैं। मैं तो वसंत को जीवन की ऋतु मानता हूँ। जीवन आपका वाणी मानू छू, उसका आगमन होते ही मेरा मन ये
इंद्रधनुष जैसा रंग बिरंगा बन जाता है और मेरी कल्पना रेशम की बन जाती है। भागों में सैर करते हुए भी मेरा मन नहीं भरता। मेरी आंखों पर प्रकृति के आकर्षण का चश्मा लग जाता है और मेरे दिन में उमंगों का सूर्योदय हो जाता है। मेरे दिन में उमंग होती है, आनंद होता है। कोयल के गीत मुझे कविता लिखने की प्रेरणा देते हैं। फूलों का खिलना और बूटों को हंसना सिखा देते हैं। तितलियां फूलों को प्यार करना और गोरे गुनगुना सिखाते हैं। ऐसी अनोखी और मनभावन है मेरी बसंत ऋतु। मैं साल भर इसकी प्रतीक्षा करता हूँ। इस प्रकार बसंत ऋतु आखिर प्रकृति मां शक्ति सौंदर्य ऋतु तरीके उठाए थे। आप बसंत ऋतु में जीवन हमारी कृपा का धन्यवाद।